सो इस कहानी की शुरुआत लॉयल एसएमपी की एंड वॉर से कुछ हफ्ते पहले की होती है, जब मैं नॉर्मली अपने रूम में बैठ के चिल कर रहा होता हूँ और तुम लोगों के फनी कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ। तभी मुझे डिस्कॉर्ड पे एक अननोन बंदे का बहुत सारा मैसेजेस आता है, जो कि फोटोज भेज रहा होता है मेरे लॉयल एसएमपी के अंदर ऑलमोस्ट सारे बिल्ड के विद एग्जैक्ट कॉड्स। और ऐसे भी बिल्ड्स उसके अंदर थे जो कि मैंने कभी भी वीडियो में शो ही नहीं किया है। मानो वो ऐसा बंदा था जो कि लॉयल एसएमपी के अंदर रह के फोटोज ले रहा था मेरे सारे बिल्ड्स का। ये देख के मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये जरूर कोई तो मजाक है या मैं किसी मिस्टीरियस कांड में फंस चुका। वेट अ मिनट, मेरे लॉयल एसएमपी के सारे सीक्रेट बेस के कोड्स इस अननोन बंदे को कैसे पता है? अरे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ओके सो अभी के लिए तो मैं इस फोन पे आ चुका और मुझे हर एक बिल्ड चेक करना होगा, क्योंकि उस बंदे ने मेरे को हर एक अपने बनाए हुए बिल्ड्स की फोटो भेजी है। और इसकी स्टार्टिंग मैं यहीं से ही करता हूं, ऑफ कोर्स मैं स्पॉन पे ही था और मुझे यहां से रॉकेट्स भी लेने हैं ताकि मैं अपने मेन बेस जा सकूं। और वहां पर मुझे चेक करना है कहीं उसने मेरा सारा सामान तो नहीं लिया, क्योंकि बहुत क्रेजी चीज है। तो अभी एंड वॉर भी आना बाकी है यार, उसका सारा काम वहां पे है रखा हुआ। ओके सो वेट अ सेकंड, ये क्या है भाई? वो है तो वो रात की रानी, आंखों से उसके टपके पानी, क्या है मेरा नाम बताओ तो जाने। व्हाट, ये क्या मिस्ट्री खेल रहा है क्या मेरे साथ? वेट अ सेकंड, पहले तो मैं रॉकेट्स ले लेता हूँ, फिर देखता हूँ इसका क्या सीन है। ओके सो गाइस, अभी मेरा हाल कुछ ऐसा हो चुका है ना, मैं एक पहेली के अंदर फंस चुका हूँ। एक अननोन बंदा मेरे को मेरे कॉर्ड्स भेजता है, मेरे बेस के फोटोज भेजता है और ये पहेली अब मेरे पोस्टर शॉप के अंदर लिख के देता है। और इस पहेली में होता है तो वो रात की रानी, आंखों से उसके टपके पानी, क्या है मेरा नाम बताओ तो जाने। मतलब भाई मैं पहेली खेल रहा हूँ क्या? पर जो भी है भाई, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मैं आधे घंटे से पहेली सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा ये क्या है और ये क्या ही चीज है। ये उसने बनाया ये भी नहीं पता है मुझे, बट इसे सॉल्व करने से हमारा काम आसान हो सकता है। ओ भाई बिजली भी कड़क रही है। ओ शिट, ओके सो अभी के लिए ना मुझे किसी से कांटेक्ट करना होगा जिससे मैं पहेली सॉल्व कर सकूं। ओके सो मगेमा भाई, मैं ना थोड़ा एक कंफ्यूज हूं, एक पहेली मिली है मेरे को, ये सॉल्व करने में हेल्प करो तो मेरी। अच्छा अच्छा बताओ क्या पहेली है उसका? यस तो पहेली है कि है तो वो रात की रानी, आंखों से उसके टपके पानी, क्या है मेरा नाम बताओ तो जाने। अब ये क्या है समझ नहीं आ रहा मेरे को। रात की रानी, आंखों से टपके पानी। Yes, और माइनक्राफ्ट में है, उसने माइनक्राफ्ट में लिखा है ये चीज। रात की रानी में क्या हो सकता है? लाइक लैंटर्न, टॉर्च, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। अरे वो कैंडल भी तो आई है ना अपडेट में, मोमबत्ती आई नहीं थी वो हो सकती है। रात को रानी, आंखों से उसके टपके। अच्छा हाँ वो पिघलता भी है ना। अच्छा सो ये है क्या, कैंडल। ओ समझ गया, सारे थैंक यू भाई। कैंडल नहीं मोमबत्ती। हाँ मोमबत्ती, यस यस मोमबत्ती है। अरे मैं आधे घंटे से कंफ्यूज, सारे थैंक यू यार। तो फाइनली अपना जो पहेली है वो सॉल्व हो चुका था, ग्रेट मोगेम्बो भाई ने वन शॉट में ही कर लिया। बट यार इसका आंसर मोमबत्ती है। अब मोमबत्ती का क्या होगा भाई, माइनक्राफ्ट में भी रिसेंटली आया और मोमबत्ती से क्या मिलने वाला नेक्स्ट क्लू? तो अब मुझे पूरे लॉयल एसएमपी के अंदर मोमबत्ती ढूंढना होगा, जो कि पूरे लोकेशन में कहीं पर भी हो सकती है, और वहीं मिलेगा मेरा नेक्स्ट क्लू। सो मिस्टीरियस कैंडल का मिस्ट्री सॉल्व करते करते मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि इससे पहले मैं क्यों ना अपने दो फ्रेंड ह्यूग और टेडी से बात कर लूं, कहीं वो लोग तो मेरे साथ कोई प्रैंक नहीं कर रहे हैं। सो हो सकता है कि ऐसा हो, इसीलिए मैं उन लोगों के पास चला जाता हूं ये कंफर्म करने के लिए कि ये जो मिस्ट्री है वो कोई और है या फिर ये लोग ही मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। अरे सुन अरे नहीं भाई अभी सुन यार, अभी तो ऐसा सीरियस मोमेंट चल रहा है, इंडोर आ रहा है, तो ये बताइए मेरे से तुम मजे खेल रहे हो एक बात। कैसे मजे? अरे भाई तू स्क्रीनशॉट भेज रहा है मेरे बेस की, पूरा रिवील करते हैं मेरे इसके कॉर्ड्स। भाई क्या मजे है? मैंने कहा भेजे स्क्रीनशॉट? कहां पे? डिस्कॉर्ड? भाई ये तू ही कर रहा है क्योंकि तू है मेरे लिए, तो तेरे को मैं कैसे करूंगा भाई? अगर मैं मैसेज करूंगा तो मेरा नाम लिखा हुआ आएगा ना। अरे भाई तू मजे ले रहा है, मजा नहीं कर रहा, देख अभी सीरियस पूरा चल रहा है इंडोर का सीन। कोई बेस के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर रहे हो? अरे फुल फोटो भेजा है, फुल फ्लेज फोटो कॉर्ड्स के साथ बंदे ने मेरे को भेजा है। सेम बेस का क्या? सेम मेरे को भी भेजा है क्या? मतलब वो आपके बेस का है? अरे वो मेरा ही बेस है भाई, उसने किसको किसको भेज दिया है पता नहीं, मेरे को तो आया है अभी। मतलब एक अकाउंट से ना, फेक अकाउंट से टाइप कुछ तो आया। हाँ, फेक अकाउंट है वो। भाई मेरे को तू मुझे, इसलिए मैं तेरे को डायरेक्टली पूछ रहा हूँ। ओ भाई उसने पूरा रिवील कर दिया, मैंने सीजन वन में जितनी सारी चीजें कर रहा हूँ ना उसने सारी चीजें रिवील कर दिया है। और उसको कुछ और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में यार, अभी मैं उसके टेंशन में लगा हूँ। चल कोई नहीं, मैं देखता हूँ फिर क्या सीन इसको सॉर्ट करता हूँ। ठीक है सुन किसी को मत बताना, ठीक है? किसी को शेयर भी मत करना। हाँ, सारे नहीं, नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? भाई ये कौन हो सकता है? मुझे लगता है अपने ही संपी का कोई तो बंदा जो छिप छिप के कर रहा है, आई डोंट नो।
तो लॉयल एसएमपी के अंदर मेरा हाल बद से बदतर होता जा रहा है। अभी तुमने देखा यू और टेडी इन सबके बीच में नहीं है क्योंकि उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और सबसे बुरी बात तो ये हुई है मेरे साथ कि यहाँ पर यू के पास बहुत सारे फोटोज दिए हैं उस बंदे ने सेंड किए, ना जाने उसने किसको किसको सेंड किया होगा। सभी के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अगर उस तक पहुंचना है तो मुझे उसका सारा काम करना होगा। और हाँ, कैंडल की मिस्ट्री भी मुझे सॉल्व करनी होगी। तो अभी के लिए मैं चलता हूं अपने फटाफट से अपने सीक्रेट बेस पे। चल, कहानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। यहाँ पे उस बंदे के पास मेरे सारे कॉर्ड से, वो चाहता था मेरा पूरा बेस लूट सकता था, उसने एक चीज को नहीं छेड़ा है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर वो करना क्या चाह रहा है, मेरे हर एक सामान वैसे के वैसे रखे हुए हैं, उसके पास इवन कॉर्ड्स भी है, तो या तो उसे मेरा सामान से मतलब नहीं है, उससे मुझे कुछ कराना है। और रही बात कैंडल मिस्ट्री की, तो कैंडल वाला मिस्ट्री मुझे सॉल्व ही नहीं हो रहा है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा कैंडल कहां है। पहला एक क्लू मेरे को डीजे के बेस में मिला था क्योंकि डीजे प्लेयर है जो कि कैंडल का यूज करता है बहुत ज्यादा, बट उसके बेस में मुझे कुछ नहीं मिला। रिप्ले मोड में भी मुझे कुछ नहीं दिखा। और एक लास्ट क्लू मुझे मिला है, वो है लूसी। तुम लोगों को पता होगा लूसी मेरी एक पुरानी पेट थी जो कि लॉयल एसएमपी के सीजन 1 में मेरे पूरे पेट में से अकेली थी। तो यार, अब तो ये सारी चीजें हो चुकी है, तो अब मैं आप तुम्हें रिवील करता हूं मेरे सारे सीक्रेट एरिया के बारे में, जो भी मैं जितना दिखा सकता हूं। तो ये है एक सीक्रेट एरिया जिसको मैंने कुछ हफ्ते पहले इसको मॉडिफाई किया था। तो यार, कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो आर्मर है इसको मैं हटा देता हूं जब भी मैं ऑफलाइन जाता हूं ज्यादा लंबे समय के लिए। और ये मेरा एरिया है जहां मैं अपने विलेजर्स रखता हूं। तो ये देखो, ये छोटे एरिया विलेजर यहां पे रहते हैं। और ये छोटा सा एरिया है। और एक और एरिया जो मैं दिखा देता हूं क्योंकि अब तो तुम लोग देख ही गए हो सब कुछ उसने दिखा दिया है। सो यार, ये है मेरा ट्रेडिंग एरिया जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसके बाद मेरे को काम आ गया था तो मेरे को जाना पड़ा था। सो यार, ये सारी चीजें जो मैं सीक्रेट रखता हूं और एक दो जगह है। तो अभी चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि लूसी वाला एरिया जो मैंने सीक्रेट रखा हुआ, लूसी जो पेट है उसको मैंने वहां पे छुपा के रखा है, तो आओ फटाफट से वहां चलते हैं। तो यहां मैं रखता हूं अपना पेट लूसी को। तो ये देखो, ये है लूसी जिसे मैंने छुपा के रखा हुआ क्योंकि बहुत सारा अटैक हो चुका है इसके ऊपर। ये देखो आई गेस तुम्हें दिख रहा होगा। सो गाइस, मैंने रिप्ले फाइल तो खोल लिया और देखो मुझे क्या मिला। ये है लूसी जहां पेट रहती है। और यहां पे वो चेस्ट है जिसे उसने कैंप फायर के धुएं से छुपाया था। और जिनको पता ना हो, ये है रिप्ले फाइल जिसके अंदर उस समय जो भी चीज हो रही होती है उसका पूरा डाटा इस रिप्ले फाइल के अंदर होता है। तो फाइनली मुझे लगता है मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। अब यहां पे एक चेस्ट दिख रहा है। ओके, जल्दी से खोलते हैं इसको। ओके, ये क्या है? मिशन 1। ओके, क्या है? पहले पढ़ते हैं इसके अंदर। और कुछ नहीं है चेस्ट के अंदर। मिशन 1 आउट ऑफ 2, यू नीड टू फील पेन बट नॉट फ्रॉम योर ओन, बी द खोज दैट यू डोंट ओन। व्हाट? ये क्या है भाई? ये अंग्रेजों का क्या लिखा है भाई इसने भाई? ओके, रिकॉर्ड समझना होगा। यू नीड टू फील पेन बट नॉट फ्रॉम योर ओन। भाई मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। सो फाइनली अपना मिशन जो है वो मिल चुका है और हमें 2 मिशन करने हैं। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है। और यार, ये बुक में लिखा क्या हुआ है? यू नीड टू फील पेन बट नॉट फ्रॉम योर ओन, बी द घोस्ट। भाई इसका क्या मतलब है? तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ अगर तुम लोगों को अभी तक समझ में आ चुका है। तो आओ जरा इसको तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि मिशन तो करना पड़ेगा। कुछ भी हो, मेरे को इसको एंड वॉर से पहले क्लियर करना है क्योंकि मुझे कोई और त्रास नहीं चाहिए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है यू नीड टू फील पेन, मतलब मुझे पेन महसूस करना है, बट नॉट फ्रॉम योर ओन, मतलब किसी अपनों से नहीं। अब इस सर्वर के अंदर मेरा अपना कौन है? बुल्स गैंग, जिसके अंदर यूग और टेडी भाई आते हैं। और रही बात डाकू गैंग की, तो वो मेरे अलायंस में है। तो बचा चैट गैंग, मतलब मुझे चैट गैंग से मरना है, किसी भी एक चैट गैंग के मेंबर से। और यार, उसके लिए मुझे पता नहीं कितना टाइम मिला है, लेकिन यस, मुझे अभी किसी भी तरीके से चैट गैंग से मरना है। तो यार, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि अगर चैट गैंग को पता चल गया कि मैं कोई खास चीज के लिए कर रहा हूं, क्योंकि उनको पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैं जानबूझ के कर रहा हूं। तो यार, अभी मुझे बस इंतजार करना चाहिए, लेट्स सी, सही मौका देख के मुझे ऐसा कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा जिससे मुझे पेन फील हो, वो भी मेरे एनिमी से। एक कॉपी भाई का कॉल आया। हाँ कॉपी भाई, हेलो। हेलो सन। हाँ बोलो। ब्रो तुमने भाई बहुत गंदी हरकतें की है मेरे साथ। क्या हुआ भाई? एक तो भाई पैरोट को मार दिया भाई। अरे भाई, तुम्हें ना, अरे भाई देखो, वो सब छोड़ो भाई। हाँ, गेम वेम छोड़ो भाई, तुमने जो भी किया बहुत बुरा लगा मेरे को। तुमने मेरा सिर्फ एक हार्ट छोड़ा है, तो मैं तुम्हें एक हार्ट में मार के दिखाऊंगा। तो तुम्हारे लिए मेरे पास चैलेंज है, तुम्हें मैं सिर्फ एक हार्ट में हरा के सारे एसएमपी के सामने भाई तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। तो ये मेरा चैलेंज है तुम्हारे लिए। What one heart baby? क्योंकि तुमने मेरे को एक हार्ट में छोड़ा है ना भाई, तो एक ही हार्ट में जैसे छोड़े हो वैसे ही आके मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगा भाई पूरे एसएमपी के सामने। तो अगर हिम्मत है तो एक हफ्ते बाद आ जाना स्पॉन पे। ओके भाई, डन है भाई, मेरा काम हो चुका है। चलो जाने दो, पीपी करते हैं, ठीक है? कोई काम क्या? कुछ नहीं, पीपी करना है ना, वन हार्ट पे आ रहे हो या? ठीक है, चलेगा। इतना खुश क्यों हो रहे हो भाई? खुश नहीं हूँ, मतलब ठीक है, आपको मन है पीपी करने का, मैं आ जाऊंगा। चलो ठीक है ब्रो, चलो मिलते हैं फिर। ओके भाई।
सर लिटरली मुझे लग रहा है कि मैं किसी मूवी के अंदर हूँ। अभी लिटरली कुछ ही दिन पहले उस अननोन बंदे का मैसेज आता है और उसका मिशन होता है कि मुझे किसी एनिमी टीम से मरना है, और हम में से एक एनिमी टीम का बंदा मेरे को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे पीवीपी चैलेंज करने वाला हूँ, वो भी वन हर्ट के साथ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारी चीजें एक ही बंदा करा रहा है और सबको वो टास्क दे रहा है कि तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये करना है। लेकिन अभी कुछ ऐसा है ना कि वो जो मिशन उसने दिया है ना वो मेरा काम इजी कर देने वाला है, क्योंकि कॉपी ने मुझे देखा तुम लोगों ने डायरेक्टली कॉल किया और बोला कि उसे पीवीपी करना है, वो भी वन हर्ट के साथ। अब यहां पे एक चीज बस मुश्किल ये है कि मुझे उससे वन हर्ट पे मरना होगा। सो फाइनली वॉर का दिन आ चुका था और कॉपी ने मेरे को फाइट के लिए लॉबी पे बुला लिया था। अब ये जो फाइल तुम देख रहे हो अगेन रिप्ले फाइल है, मैंने रिप्ले फाइल इसलिए लिया ताकि मैं तुम लोगों को दिखा सकूं और एक्सप्लेन कर सकूं। तो अब देखो ये कॉपी है, कॉपी के पास आर्मर है, वो फुल प्रिपरेशन के साथ आया है 100% और उसने एरो भी लाया अपने साथ। अब तुम मेरे को देखो एक बार, तुम्हें लग रहा होगा मैं मैक्स आर्मर के साथ हूं और मेरे पास मैक्स आर्मर स्वॉर्ड है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं तुम्हें सारी चीजें दिखाता हूं। सो मुझे पता था कि कॉपी 1 हर्ट के साथ है और मैं हूं 30 हर्ट के साथ। इससे अगर मुझे मरना है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कॉपी का जो काम है वो सक्सेसफुली हो सके। तो अब मैं तुम्हें पहले अपना इन्वेंटरी दिखाता हूं। तो रिप्ले मोड में सिंपली अगर तुम ई टाइप करते हो तो इन्वेंटरी खुल जाता है। लुक एट दिस इन्वेंटरी। अब तुम यहां पे क्लोजली देखोगे तो तुम्हें सबसे क्रेजी चीज ये देखेगी, मेरे पास दो स्वॉर्ड है, ये है मेरा मेंडिंग वाला स्वॉर्ड, यस, और ये है मेरा मेन स्वॉर्ड जिसका नाम औसान है, जिसमें नॉकबैक 2, लूटिंग 3, मेंडिंग शार्पनेस 5, स्वीपिंग एज 3, अनब्रेकिंग 3 लगे हुए हैं। बट ये है मेरा मेंडिंग स्वॉर्ड जिससे मैं लड़ रहा हूं, मेरे हॉट बार में ये है। और उससे भी क्रेजी चीज, लुक एट माय आर्मर। तुम्हें हेलमेट नहीं दिखेगा बिकॉज रिप्ले फाइल में हेलमेट नहीं दिखता है, तो सॉरी वो मैं नहीं दिखा पा रहा हूं। बट यस, यहां पे मेंडिंग, उसके भी मेंडिंग लगा हुआ है और ऑलमोस्ट सारे हाफ ऑफ हर्ट्स में मैंने रख के लाए थे और इलाइट्रा मैं यूज नहीं कर रहा हूं। और सबसे क्रेजी चीज, शील्ड, जो बुल्स गैंग का शील्ड है जिसे मैंने ही बनाया था, वो भी मेरे इन्वेंटरी में था लेकिन उसे मैंने यूज नहीं किया क्योंकि मुझे लग गया था थोड़ी देर बाद ही कि जो कॉपी है वो जो प्रिपरेशन उसने किया 1 हर्ट पे मारने के लिए वो जरूर लगाए जा रहा है, लेकिन यहां पे मैं कुछ भी करके बस उसको इस तरह से दिखा रहा हूं कि मैं यहां पे मर रहा हूं। अभी तुम्हें मैं एक मिनट दिखाता हूं। तो फाइट अभी और इंटेंस हो चुकी थी, मैं ब्लॉक्स प्लेस कर रहा था ये शो करने के लिए कि मैं जो है उससे मर रहा हूं, क्योंकि वो 1 हर्ट पे है तो मुझे बच के चलना होगा। अब ये देखो यहां पे मैं फुल वो कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेंडिंग का आर्मर है, कुछ लगा हुआ नहीं है, तो मेरे को तो हर्ट पूरा होने वाला है, मेरा हेल्थ जाने वाला है। बट ये स्कोपी लगातार वो मारे जा रहा था, अगर मैं यहां पे एक शील्ड यूज कर लेता तो आराम से मेरा काम हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरा मिशन जो है वो फेल हो जाता। तो देखो मैं कैसे इग्नोर कर रहा हूं और किस तरह से यहां पे मस्त वाली एक्टिंग कर रहा हूं। इस एक्टिंग के लिए एक लाइक तो बनता है। बट यस, मेरा प्लान ताकि किसी तरीके से पता ना चले किसी को भी, क्योंकि तुम देख सकते हो यहां पे सिद्धार्थ भी है और वो मॉनिटर कर रहा था और भी बहुत सारे लोग थे। मुझे पता था कि कोई रिस्क नहीं लेना है, मुझे जानबूझ के मरने वाला एक्टिंग नहीं करना है, मुझे दिखाना है कि मैं सच में मरा हूं। सो तुम देख सकते हो किस तरीके से यहां पे वॉर हो रहा है, कॉपी को लग रहा है कि वो जीत रहा है, लेकिन आखिरी में जीत किसकी होती है वो तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। अभी तुम देखो थोड़ी देर में यहां पे मैं मरने वाला हूं और यहां पे मैं शॉर्ट भी है, मैंने नॉर्मली रखी थी, अगर गलती से भी लग जाता तो हो सकता है कॉपी बच जाए अगर उसने अपने हाथ में टोटम रखा होता तो, जो कि मैंने रखा ही है। और ये देखो यहां पे मैं मर भी चुका हूं, लेट्स गो। और यस, सो फिलहाल के लिए मैं तो मर चुका था और तुम देखो मुझे उसने कितने सारे एरो मारे थे। बट यस, अभी मेरा प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये मिशन मेरी कंप्लीट हुई है उसे पता कैसे चलेगा, इसीलिए मैंने ये सारा सेटअप किया है। लेट्स सी, जल्दी-जल्दी उसको पता चल जाएगी मेरा मिशन कंप्लीट मैंने कर लिया है। सो मिशन 1 कंप्लीट हुए, बहुत दिन बीत चुके हैं और अभी भी कोई अपडेट नहीं आया है, बीच में इवन एंड वॉर भी हो गया है। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें ये दिखाऊं लेकिन एंड वॉर हो गया था, तो एंड वॉर की वीडियो मैंने डाल दी थी, तुम लोगों ने अगर देख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो आई बटन पे जाके देख लो। लेकिन ये मिशन अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ यार, मिशन 1 के बाद मुझे 2 का कोई अपडेट नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई मैं ट्रैप में तो नहीं फंस गया, वो बंदा किसी का काम करा रहा था और उसका काम हो चुका है और वो जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं जब एंड वॉर के बाद जैसे ही आया अपने पोशन शॉप के नीचे, मुझे क्या दिखता है मैं तुम लोग को भी दिखाता हूं। सर मैं चाहता था तुम लोग को मैं लाइव दिखाऊं, तो ये देखो यहां पर क्या है, आ जाओ फटाफट से चलते और दिखाता हूं तुम्हें। सो उसने यहां पे कोई पहेली नहीं लिखी है इस बार, उसने डायरेक्टली चेस्ट डाल दिया है नीचे, जो कि बहुत क्रेजी था। मैं तुम्हें नीचे जाके दिखाता हूं।
ओके सो मैं नीचे आ चुका हूँ और ये देखो गाइस क्या किया उसने, और मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर उसने पुराने वाले साइन बोर्ड को हटा दिया था, मैं मॉनिटर भी कर रहा था कि कोई है तो नहीं, लेकिन जब मैं एंडवॉर के लिए गया था तभी उसने शायद से चेंजेस किए हैं। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ फाइनल मिशन सीक्रेट सोसाइटी। अब देखो ये मैं कंफ्यूज हूँ कि कोई तो मुझे क्लैन में लेने के लिए ट्राई कर रहा है, आई डोंट नो, लेकिन बहुत इसके क्रेजी मिशन होते हैं। और मुझे ऐसा लगता ना, तुमने गेम खेला होगा ब्लू व्हेल, उसमें क्या होता था कि तुम लोगों को मिशन करने होते थे और एक बंदा मिशन करता था और दूसरे बंदे को कहा जाता था कि तुम इसकी या तो हेल्प करो या तो इसको रोको, ये वैसा वाला सीन है। तो बहुत क्रेजी है यार, आई गेस देखते हैं इसके अंदर क्या है। वैसे मैंने देख लिया है, उसके अंदर लिखा हुआ है बस फाइनल बुक नहीं खोला है, बस आ जाओ देखते हैं फाइनल मिशन सीक्रेट सोसाइटी। ओके सो ये है बस फाइनल मिशन नाम का बुक है, सो आओ चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या है। ओके सो अभी मैं खोल रहा हूं इसको, लेट्स सी क्या है इसके अंदर। ओके मिशन 0 out of 2, यू हैव टू चीट योर फर्स्ट डील। ओके मतलब मुझे अपने पहले डील को चीट करना, इसका क्या मतलब है। ओके ये पहली अब यहां पे आ रहा है, यू हैव टू चीट योर फर्स्ट डील। ओके थोड़ी देर सोचने के बाद और कुछ नासा और इसरो के साइंटिस्ट के साथ डिस्कस करने के बाद मुझे ये पता चला है कि जो पहला डील है लॉयल एसएमपी के अंदर मैंने जिसके भी साथ किया होगा उसके बारे में मैंने अपने पहले एपिसोड में तो डाला ही होगा लॉयल एसएमपी के। और अगर तुम लॉयल एसएमपी की वीडियोस मेरी देखते हो स्टार्टिंग से तो तुम्हें पता होगा, मुझे भी थोड़ा बहुत याद है लेकिन सबको दिखाना जरूरी है, इसलिए चलो फटाफट से यूट्यूब पर चलते हैं और अपना ही वीडियो देखते हैं और चेक करते हैं। So, ये है मेरी लॉयल एसएमपी की पहली वीडियो, तो जिन लोगों ने देखी होगी उन्हें पता होगा कि ये वीडियो मैंने 3 महीने पहले डाली थी। सो यहाँ मुझे मिल सकता है वो डील के बारे में, तो आओ देखते पहले क्या है इस वीडियो के अंदर। एक टोटम के लिए कौन क्या दे सकता है मेरे को, बस अभी डील करना मेरे को, मैं बल्कि गर्लफ्रेंड। सो यस ये था पहला वीडियो, मैं बहुत ज्यादा मीम्स यूज करता था, आई डोंट नो तुम लोग बताओ तुम लोगों को मीम देखना पसंद है कि नहीं अभी भी, अगर है तो हम वापस डल जरूर करेंगे चीज। सो यस So, मुझे नहीं लगता बल्कि भाई को कोई दिक्कत होगा अगर मैं इनका ये सारा पेट मार दूं, वैसे भी सीजन खत्म होने को आया है। और यार ये चीज तो डील के अकॉर्डिंग उन्होंने की नहीं थी, उन्होंने मुझे अपने टीम में लिया नहीं था, बट हाँ अलायंस में हम थे, सो यार मैं मारूंगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए होपफुली। और यस अभी मेरा काम भी यहाँ पे हो जाने वाला है, और तुम एक बार क्लिप देख लो बल्कि सर से मैंने क्या बात की थी उस टाइम पे। सो ये वाला क्लिप यहाँ पर है जहां मैंने उनको बोला था, वेट अ सेकंड, यस ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है जहां मैंने बल्कि स्टार से बात की थी, तो थोड़ी सी क्लिप्स देख लो तुम राधा। और एक कॉर्ड्स मिला है, देखोगे ये देखो ये कॉर्ड्स कहां से मिले, बस ढूंढ लिया, थोड़ा ग्राइंडिंग चल रही है सर। ये ओके एंड इन कॉर्ड्स पे आके तुमने कुछ करा तो नहीं है अभी तक? तो नहीं, होप सो। एक फोटो भेजा जरा देखना। मैं भी सेम जगह पे खड़ा हुआ अभी। ओके 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 किसी भी कुत्ते को हाथ मत लगा देना, जान से मार दूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपसे डील करने आया हूँ मैं यहाँ पे। ओके सो ये था मेरा पहला डील, और चलो यार फटाफट से खत्म करते हैं सारे डॉग्स को और करते अपना मिशन कंप्लीट। सो फाइनली मैं तो पहुंच चुका हूँ बल्कि सर भाई के ओल्ड बेस पे जो कि 3 महीना पुराना था। और यार देखो यहाँ पे सब कुछ वैसा का वैसा ही है, और ये वाला मेरा घर था जो यहाँ पर था, यस जिसको मैंने बाद में मॉडिफाई कर दिया था। सो यस अभी के लिए यहाँ पे उनका डॉग, तो चलो यार फटाफट से अपना काम करते और निकलते यार, वैसे भी कुछ दिन में सीजन खत्म होने वाला है तो कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है, बट किसी को पता ना चले कि ये जो है कांड मैंने किया, ठीक है, क्योंकि इससे यार ट्रस्ट टूट सकता है तो यार दिक्कत हो जाएगी। बट यस चलो फटाफट से करते हैं यार, अभी क्या करना, मैं लावा और फ्लिंट लाया था बस, इससे कुछ होगा, आ जाओ फिर मारते हैं इनको, काम शुरू करते हैं, लेट्स गो। ओके ओके फाइनली यहाँ पे मैं अपना मिशन जो है वो कंप्लीट कर लिया, और जो भी चीज मुझे कहा गया था वो सारी चीजें मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जो बच्चे कुछ डॉग है उनको मैं छोड़ दे रहा हूँ। और हाँ गाइस तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि ये कोई पेट नहीं है बल्कि मैंने इसे जस्ट ब्रीड कराया था ताकि वो अपना काम जो है वो कर सके, टेडी बियर को ट्रैप करने के लिए उन्होंने बनाया था। तो यार ये जब नॉर्मल है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यस अभी मेरा काम हो चुका है, अभी बस मुझे इसकी प्रूफ मुझे दिखानी होगी उस बंदे को, आई गेस उसको पता चल जाएगा, वैसे भी बहुत मास्टरमाइंड है, आई डोंट नो, बट यस मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। सो अभी बस मुझे इंतजार करना है मेरे फाइनल रिजल्ट का कि क्या मेरा काम हुआ नहीं हुआ या फिर ये जस्ट एक स्कैम था। तो या अभी मैं बस इंतजार कर रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं अपने बेस पे, चलो दोस्तों ये। लॉयल
SMP सीजन 1 के वन ऑफ द मिस्टीरियस मिशन को मैंने यहाँ पे खत्म कर लिया था और मस्त मैं चिल मार के पढ़ाई कर रहा था। मैंने सोचा था लेट्स सी कि मैं सेलेक्ट हो पाता हूँ सीक्रेट सोसाइटी में, एंड देन उसके कुछ ही देर बाद मुझे आता है एक नोटिफिकेशन और जैसे ही मैं उसको देखता हूँ बूम यस